वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। तो अभी यूरोप लीग का मैच होने वाला है, दो मैच हैं एक टाइम पे, रियल बेटिस वर्सेस एलवी के बीच। तो बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी मैंने क्रिकेट की टीम ओपन दी थी, बट नेक्स्ट एक फुटबॉल की और ओपन आएगी, और जो अगली ओपन आएगी ना फुटबॉल की, बहुत ज़बरदस्त जाने वाला मैच, क्योंकि बहुत अच्छे मैच हैं आज के दिन। आज आप नहीं बोल सकते कि रिस्क है, आज रिस्क नहीं है मैच में। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले बात करें इस मैच की, तो मैं एलवी के फेवर में उस मैच के अंदर। रियल बेटिस ये मैच अगर जीतती है तो भाई बहुत मुश्किल होगी रियल बेटिस को, क्योंकि जीतने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं वो है एलवी। और एलवी, वो मैं आपको बता दूं, पिछला मैच इसलिए हारी थी चैंपियंस लीग में क्योंकि ओपोनेंट टीम थी बीएवाई बेयर्न म्यूनिच, तो उनके सामने तो हारना ही था। फिर भी एक गोल करके, वो भी इंटरेस्टिंग था। बात करें सबसे पहले गोल कीपर की, यहाँ से लूँगा सी ब्रावो को। सी ब्रावो ही बनता है यहाँ से। अगर आप और कोई प्लेयर पर अगर मान लो, अगर आप यहाँ से ले तो लूकास हरदैकी को, तो लूकास यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ अगर लूकास आपको 100 पॉइंट भी दे गया ना, तब भी उसका नाम ड्रीम टीम में बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि यहाँ पर एलवी की टीम सिंगल साइड जीतना जानती है। बात करें एम बैकर की, तो एम बैकर को एज अ लोग फोर्थ डिफेंडर लेते हैं, और यहाँ पे कॉमन डिफेंडर है। तो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, आप प्लेयर, अभी ये बंदा 8 क्रेडिट का होता ना, ये किसी की टीम में ना होता। आप लोग क्रेडिट्स देखते हो, नाम देखते हो, ये मत देखो भाई। अभी एक प्लेयर हैक्टर बैलरीन है, मैंने हैक्टर बैलरीन को छोड़ा हुआ है। ऐसे तो मैं भी डरता कि नहीं क्यों छोड़ा, लेकिन मेरे को पता है कि उसकी जगह जो मैंने अनदर प्लेयर लिया वो चल सकता है। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, जोनाथन को लूंगा। अब जोनाथन को ले लो, क्योंकि जोनाथन एक सेकंड डिफेंडर है, उम्मीद ज़्यादा चलने की नहीं है, लेकिन अगर क्लीन शीट लगी तो 20 पॉइंट तो सारे डिफेंडर्स को मिलते हैं, तो इसलिए मैं डिफेंडिंग के साथ हूँ। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, फ्रिम्पोंग को लूँगा। जेरेमी फ्रिम्पोंग पिछले मैच में मेन प्लेयर था, शॉट ऑन टारगेट लगाया था, गोल होता होता रह गया, और जबकि ये किसी की टीम में नहीं था। पीरो हिंकैपी मेरी टीम में था, क्योंकि मैं तीन डिफेंडर के साथ उतरा था, मैंने फ्रिम्पोंग को ड्रॉप कर दिया था। दो गोल करने थे इस प्लेयर ने, इसका भी दूसरा गोल स्टॉप हो गया, नहीं तो ये टीम ने कम से कम उस मैच के अंदर तगड़ी हार देनी थी ओपोनेंट टीम को। आगे से बात करें मिडफील्डर की, यहाँ पे लूँगा नेक्स्ट वन प्लेयर फ्लोरियन विट्स। फ्लोरियन विट्स के सबसे ज़्यादा गोल है सेकंड नंबर पे एलवी की तरफ से। एलवी का हर एक प्लेयर अच्छी तरह गोल करना जानता है, मतलब एक एक प्लेयर, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसको छोड़ के ये ले लो। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, कैरम को लूँगा। कैरम जो कि नॉर्मल प्लेयर है, पिछले मैच के अंदर इस बंदे ने शॉट ऑन टारगेट लगाया था, सिर्फ सिंगल, और शॉट ऑन टारगेट था मतलब गोल करने की ट्राई की थी बट गोल हुआ नहीं, और इनके हर एक प्लेयर ने ट्राई की थी, हर एक प्लेयर ने। एंड आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, सर्जियो कैनल्स की पिछले मैच में वापसी हुई रियल बेटिस की तरफ से। वापसी का मतलब गोल नहीं, वो मतलब वो खेल नहीं रहा था बहुत दिनों से, बल्कि इसकी जगह एक प्लेयर आपको मिलता है क्रिस्टियन टेलो, चाहो तो ले सकते हो, बट वो सब्स्टिट्यूट जल्दी होगा, तो पर कैनल्स भी सब्स्टिट्यूट होगा ज़रूर। इसलिए मैं कैनल्स के साथ इसलिए हूँ क्योंकि कई बार ऐसा सेकंड डिफेंडर देखा गया है, क्योंकि कल के मैच में पूरी की पूरी चेल्सी टीम को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बड़ा बुरा लगा था, तो वो नहीं चाहता कि हमारा हाल इस मैच में हो। तो आगे से बात करूं स्ट्राइकर की, यहां से लूंगा द ग्रेट प्लेयर पीएसजे की, ये गोल करता नजर आएगा आपको, और जो बंदे ने बेयर्न म्यूनिच को गोल मार दिया तो वो इनको नहीं छोड़ेगा। एंड फैकर की बात करूं, नेविल फैकर अभी तक पेनल्टी टेकर है, और काफी लोगों का कैप्टन इसलिए रहता है क्योंकि पेनल्टी के साथ साथ स्ट्राइकिंग करेगा। और जॉस की बात करूं, डब्ल्यू जॉस इस डेब्यू मैच खेला था, दो गोल किए थे डेब्यू में, तो तब से मेरा परमानेंट प्लेयर है वो। इसकी जगह अगर आप चाहो तो एलोरियो को ले सकते हो। एलोरियो कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर करेगा वो है पेनल्टी। ये पेनल्टी ले सकता है अगर पीएसजे नहीं खेला, और अगर पीएसजे खेलता है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो मोसा डियाबी को। मैं डियाबी को ट्राई करूँगा, लेकिन मैं उसकी जगह से छोड़ूंगा ये वाला प्लेयर जिसका नाम है कैरम। तो एक ना एक प्लेयर मैं ज़रूर छोड़ूंगा, पहले बता दूँ। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है पीएसजे वाइस कैप्टन फर्ट्स। ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।